राजीव जी तो 2 बजे से पहले नहीं सोने देते थे, आप 5 बजे के पहले तो उठा देते, हमारा हम क्या करें। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राहुल गांधी के बीच की ये बातचीत सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस बातचीत में हुड्डा पूर्व पीएम राजीव गांधी का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल गांधी से कहते हैं कि राजीव गांधी जी हमें 2 बजे से पहले नहीं सोने देते थे और आप 5 बजे के बाद पहले ही उठा देते हैं, अब हम क्या करें। राजीव जी तो 2 बजे से पहले नहीं सोने देते थे, आप 5 बजे के पहले तो उठा देते, हमारा हम क्या करें। इसी बातचीत के दौरान एक नेता राहुल गांधी से उनके खाने पीने के बारे में सवाल करता है, जिस पर राहुल गांधी कुछ इस तरह से जवाब देते हैं। खाने की बात रहती है ना सर आपकी, तो कई एक दोस्त पूछते हैं, कहता यार ये देख तो सही है सुबह खावे क्या है, सुबह सुबह ना ठंड क्यों नहीं लगती। तो मैं कई बार कोशिश करता हूँ सर, आप वो जो गिलास में आप दूध पीते हो ना सर, क्या है कॉफी है क्या है, मैं कहा यार कुछ पीते तो है, पता नहीं शेक सा है, पता नहीं खा क्या खाते हैं। और एक आप ज्यादा दूध पीता हूँ, उसमें बहुत थोड़ी सी कॉफी डालता हूँ। हमारे यहाँ जो है ना वाड़ी कहते हैं दोस्त से वाड़ी, तो दूसरे तो कह रहा हूँ वाड़ी, यू तो हवा से भी तेज चल रहा है। आपको बता दें कि इस बातचीत में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता नजर आते हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा भी इस यात्रा के दौरान अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती हुई नजर आ रही हैं। यात्रा के अपने अनुभव को शेयर करते हुए कुमारी शैलजा अपने इस अनुभव को कुछ इस तरह से शेयर करती हैं। सरदार था, कल वो जा रहा था साथ साथ में, आपने कोशिश की उसको बुलाने की, वो भीड़ में कई बार रह जाते, आज मुझे मिल गया वो, तो मैंने कहा सॉरी आपको राहुल जी चाह रहे थे लेकिन बात नहीं बन पाई, आप साथ साथ चले, ये तो कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे पहचान दिया और मेरे से उन्होंने बात भी करनी चाही, मुझे उनकी नज़रों में कुछ लग रहा था ट्रू खालसा है राहुल गांधी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।